Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar. This is Accountancy Mock Test Part 12 and we are going to cover next 25 questions from question number 276 to question number 300. These MCQs are important for all the candidates who are applying for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET exam, NET, JRF, SET examination and CTET examinations. So let's start. Our first question is the balance on the debit side of the bank column in cash book indicates. जो cash book होता है उसके बैंक के column में debit side में जो balance होता है वो क्या indicate करता है. मैं फिर से repeat करूंगा question कि जो cash book होता है उसके बैंक के कॉलम में अगर डेबिट साइड में कोई बैलेंस होता है तो वो क्या होता है. ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है द टोटल अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक. दूसरा ऑप्शन है द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक. तीसरा ऑप्शन है कैश एट बैंक. चौथा ऑप्शन है बैंक ओवरड्राफ्ट. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कैश एट बैंक. ठीक है, कैश एट बैंक वो अमाउंट होता है जो कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट साइड में हम दिखाते हैं. जो बैलेंस बच जाता है उसे कैश एट बैंक बैलेंसिंग फिगर हम बताते हैं. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कैश बुक इज अ टाइप ऑफ डैश बट इट इज कंसिडर्ड एज अ डैश ऑफ अकाउंट्स. कैश बुक इज अ टाइप ऑफ डैश. कैश बुक इज अ टाइप ऑफ व्हिच बुक. ठीक है, ये सब्सिडियरी बुक है कि प्रिंसिपल बुक है और उसे क्या कंसीडर किया जाता है, सब्सिडियरी बुक की प्रिंसिपल. तो हमारे पास ऑप्शन है कि सब्सिडियरी बुक और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बुक और सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक और सब्सिडियरी बुक, और प्रिंसिपल बुक और प्रिंसिपल बुक. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए. कैश बुक एक सब्सिडियरी बुक होती है. कैश बुक इज अ टाइप ऑफ अ सब्सिडियरी बुक बट इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है हमारा द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज पोस्टेड टू द. जो कैश बुक होता है उसके डेबिट साइड का जो डिस्काउंट कॉलम का टोटल होता है, ठीक है, उसे कहां पोस्ट किया जाता है. मैं फिर से क्वेश्चन बोलूंगा. जो कैश बुक होता है उसके डेबिट साइड में जो डिस्काउंट का कॉलम दिया गया होता है उसका टोटल हम कहां पोस्ट करते हैं. हमारे चार ऑप्शन हैं. पहला ऑप्शन है हमारा क्रेडिट ऑफ द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट. दूसरा डेबिट ऑफ द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. तीसरा है क्रेडिट ऑफ द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. और चौथा है डेबिट ऑफ द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डेबिट ऑफ द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा Which is entered on the debit side of cash book. हमारे पास चार ऑप्शन हैं. चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे हम कैश बुक के डेबिट साइड में एंटर करते हैं. ठीक है, पहला है ट्रेड डिस्काउंट अलाउड. दूसरा है ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड. तीसरा है कैश डिस्काउंट अलाउड. और चौथा ऑप्शन है हमारा कैश डिस्काउंट रिसीव्ड. तो इनमें से कौन सा ऐसा डिस्काउंट है जो अलाउ किया गया है या रिसीव किया गया है जिसे हम डेबिट साइड कैश बुक में दिखाते हैं. तो देखिए, अगर मैं पहले दो ऑप्शन की बात करूं, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड या ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये दोनों नहीं हो सकते. रीजन क्या है, ये ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते. तो पहला और दूसरा ऑप्शन सीधा सीधा कैंसिल हो गया. अब कैश डिस्काउंट अलाउड या कैश डिस्काउंट रिसीव्ड में आपका सही आंसर है कैश डिस्काउंट अलाउड. जब हम कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो उसे हम डेबिट साइड कैश बुक में शो करते हैं. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा When a firm maintain a 3-column cash book, it need not maintain. जब कोई फर्म 3-column कैश बुक बनाता है, मेंटेन करता है, तो उसे क्या मेंटेन करने की जरूरत नहीं है अलग से. ठीक है, पहला ऑप्शन है कैश अकाउंट इन द लेजर. दूसरा ऑप्शन है बैंक अकाउंट इन द लेजर. तीसरा ऑप्शन है डिस्काउंट अकाउंट इन द लेजर. और लास्ट है बोथ कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट इन द लेजर. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जब कोई फर्म 3 कॉलम कैश बुक बना रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है, तो उसे कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का लेजर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट इन लेजर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, When a check received is endorsed, it must be entered in. जब आपको कोई चेक रिसीव हुआ और आपने उसे एंडोर्स कर दिया, मतलब साइन करके किसी और को दे दिया, ठीक है, तो इसकी एंट्री आप कहां करिएगा? आपके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है हमारा क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक ओनली, दूसरा है डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओनली, तीसरा ऑप्शन है बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक, और चौथा है Nowhere. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ 3 कॉलम कैश बुक में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जब हम 3 कॉलम कैश बुक बनाते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब क्या चीज हम सही करते हैं। ठीक है, सबसे पहला, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड is recorded on the debit side of cash book। आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि ट्रेड डिस्काउंट की हम एंट्री करते ही नहीं है, तो ट्रेड डिस्काउंट आते ही उसकी अगर एंट्री की बात की जा रही है तो आपका वो ऑप्शन गलत है। दूसरा कह रहे हैं कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है डिस्काउंट कॉलम्स आर बैलेंस्ड, और चौथा ऑप्शन है हमारा कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर 3 कॉलम कैश बुक है तो जो कैश डिस्काउंट हम रिसीव कर रहे हैं उसे हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इन पेटी कैश बुक डैश कॉलम रिकॉर्ड्स रिसीट्स। ठीक है, जो पेटी कैश बुक होता है जिसमें हम छोटे मोटे खर्चे रिकॉर्ड करते हैं, उसमें कौन सा कॉलम रिकॉर्ड करता है रिसीट्स। ठीक है, तो हमारे 4 ऑप्शन है, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, एक्सट्रीम राइट हैंड, सेंटर कॉलम लेफ्ट हैंड साइड, सेंटर कॉलम राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। ठीक है, जो पेटी कैश बुक होता है उसके एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड कॉलम को में हम सारे के सारे रिसीट्स रिकॉर्ड करते हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सैलरीज आउटस्टैंडिंग फॉर द पर्टिकुलर मंथ विल बी। देखिए, सैलरीज आउटस्टैंडिंग का मतलब है बकाया है, हमें अभी पे करना बाकी है, हमें अभी अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देना बाकी है। ठीक है, ड्यू हो गया, पे नहीं हुआ, तो इट इज आउटस्टैंडिंग। इसको हम कहां पे लिख करके दिखाएंगे? ठीक है, कैश बुक, ये 4 ऑप्शन है कैश बुक के, तो कहां हम दिखाएंगे? पहला ऑप्शन है ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, ठीक है, दूसरा है ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, तीसरा है एज अ कॉन्ट्रा एंट्री इन द कैश बुक। देखिए, कॉन्ट्रा एंट्री तब की जाती है जब बैंक और कैश, एक बैंक बढ़ता है कैश घटता है, या कैश बढ़ता है बैंक कम होता है, तो कॉन्ट्रा एंट्री की जाती है। यहां पे कॉन्ट्रा एंट्री का कोई केस ही नहीं है, तो कॉन्ट्रा एंट्री वाला ऑप्शन सी हम काट दे रहे हैं। और लास्ट में कह रहे हैं नोवेयर इन द कैश बुक। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको समझ में आ गए कि अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो उसे हम कहां लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नोवेयर इन द कैश बुक। हम कैश बुक में एंट्री क्यों करेंगे? क्योंकि अभी हमने पे ऑफ तो किया ही नहीं है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, दिया भी नहीं है अभी किसी को, तो हम कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि कैश बुक में हम सिर्फ कैश की बात करते हैं, जो कैश में दिया गया है और जो कैश में आया है, मतलब पेमेंट एंड रिसीट्स की ही बात करते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन कैश बुक विथ डिस्काउंट कॉलम, ठीक है, टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज पोस्टेड टू द। जो कैश बुक होता है जिसमें डिस्काउंट कॉलम बना होता है, उसमें डिस्काउंट कॉलम का जो क्रेडिट साइड का टोटल होता है उसे हम कहां पोस्ट करते हैं? ठीक है, तो हमारे 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है हमारा डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है हमारा डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तीसरा है क्रेडिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और चौथा है क्रेडिट ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो आप क्या करोगे कि जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है उसे आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड में कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में आप एंट्री करके दिखाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द मेन एडवांटेज ऑफ पेटी कैश बुक इज आर। जो पेटी कैश बुक है उसका मेन एडवांटेज क्या है? ठीक है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है कंट्रोल ओवर स्मॉल पेमेंट्स, ठीक है। दूसरा है सेविंग ऑफ टाइम ऑफ द चीफ कैशियर, ठीक है, जो चीफ कैशियर है उसका जो टाइम है उसको बचाने के लिए हम उसे यूज करते हैं। तीसरा, सेविंग ऑफ लेबर इन राइटिंग अप द कैश बुक एंड डिस्पोजिंग इनटू लेजर, ठीक है। और आखिरी ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। देखिए जो मेन एडवांटेज है ना कैश बुक का, वो छोटे छोटे पेमेंट्स को कंट्रोल करना भी होता है, चीफ कैशियर का टाइम बचाना भी होता है, साथ ही साथ बार बार जो कैश बुक में हम पोस्ट करते हैं, ठीक है, एंट्री करते हैं, पोस्ट करते हैं लेजर में, उसका जो मेहनत है उससे भी बचना होता है। तो ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेटी कैश में बी यूज्ड टू पे। पेटी कैश जो है वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो आपको मालूम है ना, वो जो खर्चे, जो एक्सपेंसेस हैं, देखिए एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस होता है। एक्सपेंसेस रिकरिंग नेचर के होते हैं, रिपीटेड होते हैं, एक्सपेंडिचर वन टाइम होता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस की बात की जा रही है जो बेसिकली रिकरिंग नेचर का है, रिपीटेड नेचर का है। तो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पोस्टेज एंड कन्वेयंस। तो पेटी कैश बुक क्यों इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन है कि जो पोस्टेज और कन्वेयंस, कन्वेयंस का मतलब एक हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का जो किराया भाड़ा होता है, दैट इज कन्वेयंस चार्ज, उसके लिए पेटी कैश बुक का हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, सैलरीज एंड वेजेस टू फाइनेंस डेवलपमेंट स्टाफ, नहीं, ये पेटी कैश नहीं है, ठीक है। तीसरा, फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर एंड मशीनरी, और ऑल ऑफ देम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट द अलाउंस गिवन इज कॉल्ड। अगर हम तुरंत पेमेंट करते हैं तो उसके लिए जो अलाउंस दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ट्रेड डिस्काउंट, कैश अलाउंस, नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कैश डिस्काउंट। जब भी कोई वेंडर को प्रॉम्प्ट पेमेंट रिसीव होता है ना, जब भी कोई बायर प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देता है अपने सेलर को, तो जो सेलर होता है वो कुछ कैश डिस्काउंट देता है। तो ये जो प्रॉम्प्ट पेमेंट में जो अलाउंस मिलता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कैश डिस्काउंट का नाम देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। ये सही है कि गलत है? जो डिस्काउंट कॉलम का डेबिट साइड का टोटल होता है कैश बुक के, जो कैश बुक होता है ना उसके डिस्काउंट कॉलम का जो डेबिट साइड का टोटल होता है उसे हम क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट में लिख देते हैं। क्या ये सही है? तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है ट्रू, पार्टली ट्रू, फॉल्स और नन। तो जब ट्रू फॉल्स पूछ रहे हैं तो नन का तो ऑप्शन ही गलत हो गया, और पार्टली ट्रू या पार्टली फॉल्स वाली बात ही नहीं होती, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फॉल्स। हम उसको डिस्काउंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन है ये है फॉलोइंग द कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सेप्ट। तो ये जो चार ऑप्शन है इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कैपिटल रिसीट्स की कैटेगरी में नहीं आता है। सबसे पहला ऑप्शन है सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, दूसरा है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तीसरा ऑप्शन है लोन्स फ्रॉम बैंक, और चौथा है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेवेन्यू रिसीट्स की कैटेगरी में आता है, रिपीटेड नेचर का होता है, ये कैपिटल रिसीट्स की कैटेगरी का नहीं होता है। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स कैपिटल रिसीट्स की कैटेगरी में आता है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसीट्स की कैटेगरी में आता है, लोन्स फ्रॉम बैंक कैपिटल रिसीट्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगला क्वेश्चन है हमारा, सब्सक्रिप्शन इज अ। सब्सक्रिप्शन क्या है? ठीक है, इट्स अ कैपिटल रिसीट, इट्स अ रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन जो होता है वो हमारा रेवेन्यू रिसीट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये रिपीटेड नेचर का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैपिटल रिसिप्ट्स आर रिप्रेजेंटेड इन। जो कैपिटल रिसिप्ट्स है उसे हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। चार ऑप्शन है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो कैपिटल रिसीट्स जो भी चीजें होती हैं उसे हम कहाँ शो करते हैं, उसे हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा पहला है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, दूसरा ऑप्शन है हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तीसरा ऑप्शन है हमारा मनी पेड टू पेटेंट राइट्स और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी रेवेन्यू नेचर के होते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी रेवेन्यू नेचर के होते हैं, मनी पेड टू पेटेंट राइट्स भी ये रिपीटेड नेचर का हो सकता है। ठीक है, इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह सकते हैं क्योंकि इससे हमें और मतलब हमारा जो ग्रोथ है, जो प्रॉफिट है वो बढ़ने में हेल्प होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक बार पेटेंट राइट्स खरीदे, कंपनीज बार बार अलग अलग चीजों की पेटेंट राइट्स खरीद सकती है। ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हो सकता है कि आपने कुछ नया शुरू किया आपकी कंपनी ने, तो वहां पे प्रीलिमिनरी स्टार्टिंग के कुछ खर्चे हो, एडवर्टाइजमेंट बार बार एडवर्टाइजमेंट हो गया। ठीक है, तो रेवेन्यू नेचर का सारा है, तो ये सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट स्पेंट ऑन फॉरेन ट्रिप ऑफ द प्रोपराइटर फॉर परचेजिंग अ मशीनरी फॉर बिजनेस पर्पस इज एन। जो खर्चा एक फॉरेन ट्रिप पे किया गया प्रोपराइटर द्वारा ताकि वो एक मशीनरी खरीद सके, मतलब आप फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं ताकि आप मशीनरी खरीद करके लेकर के आए, ये एक बिजनेस ट्रिप था। ठीक है, बिजनेस के लिए आपने मशीनरी खरीदी, तो इस खर्चे को हम क्या बोलेंगे। इट्स अ ड्रॉइंग, देखिए ड्रॉइंग पर्सनल यूज के लिए होता है तो ड्रॉइंग नहीं हो सकता। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड का मतलब होता है फ्यूचरिस्टिक, तो ये फ्यूचरिस्टिक नेचर का नहीं है। इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपने मशीनरी खरीदी है तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इमीडिएटली आफ्टर परचेजिंग अ न्यू ट्रक फॉर रुपीज न्यू ट्रक 5,000 इज पेड to have the name of the company and the other advertising material painted on the truck. This 5,000 is a immediately after purchasing a new truck. जैसे ही आपने एक नया ट्रक खरीदा, आपने 5,000 रुपए खर्च कर दिए ताकि कंपनी का नाम ट्रक के ऊपर आ जाए और साथ ही साथ कुछ एडवर्टाइजिंग मटेरियल भी प्रिंट हो जाए कंपनी के ट्रक पे। तो ये जो 5,000 रुपए खर्च किए, ये कौन सा खर्च था। इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इट्स नॉट अ कैपिटल, ट्रक खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके ऊपर पेंट कराना, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला गया एडवर्टाइज कराना, तो एडवर्टाइज कराना इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ से आप इसे पकड़ सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग मटीरियल की बात कर रहे हैं तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि इसे बाद में चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, और ये ज्यादा बड़ा खर्चा भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, loss caused by theft of cash by cashier during business hours is a loss of। अगर कैशियर ने कुछ पैसे चुरा लिए बिजनेस के टाइम पे, तो इस लॉस को हम क्या कंसिडर करेंगे, ये किस नेचर का लॉस होगा। ये रेवेन्यू नेचर का है, कैपिटल नेचर का है, डिफर्ड रेवेन्यू नेचर का है या नन ऑफ द अबव है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इट्स अ रेवेन्यू नेचर। ये जो लॉस होगा वो रेवेन्यू नेचर का कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू नेचर का लॉस इज अ लॉस विच इज कॉज बाय थेफ्ट ऑफ कैश बाय अ कैशियर ड्यूरिंग अ बिजनेस आवर। तो बिजनेस आवर पे जो रोजमर्रा का बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी के टाइम जो भी काम किया जा रहा है ना बिजनेस के लिए, वो रेवेन्यू नेचर का है, जिससे यहाँ पे बिजनेस को लॉस हो रहा है, तो ये रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है, इट्स अ कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, डेफर्ड रेवेन्यू, नन ऑफ दीज। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ कैपिटल रिसीट। ठीक है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ सम ऑफ 50,000 वॉज स्पेंट बाय अ फैक्ट्री इन ओवरहॉलिंग इट्स एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी। देखिए मशीनरी की जो सर्विसिंग होती है ना, उसे खोल करके उसको साफ करके वापस ग्रीसिंग करके वापस सेट करना इज ओवरहॉलिंग। तो 50,000 रुपये एक प्लांट एंड मशीनरी, एक फैक्ट्री ने अपने प्लांट एंड मशीनरी में खर्च किया ताकि अगले 5 साल तक वो मशीनरी अच्छी तरीके से काम कर सके। तो ये जो एक्सपेंडिचर है किस नेचर का है? इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट्स अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और पार्टली कैपिटल एंड पार्टली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि मशीनरी में ये जो खर्चा किया गया है ये 5 साल में एक बार किया गया है, ठीक है। और 50,000 रुपये इट्स अ ह्यूज सम ऑफ मनी। तो मशीनरी की वर्किंग को एनहांस करने के लिए जो हमने उसमें खर्च किया है इट्स अ कैपिटल नेचर। बिल्डिंग को भी एनहांस करते हैं ताकि हम उससे और भी प्रोडक्टिविटी कुछ बेनिफिट ले सकें, तो उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर है, एक एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर का होता है और एक्सपेंसेस रिपीटेड नेचर के होते हैं। एक्सपेंडिचर एक बार होता है, ठीक है, और वो कैपिटल नेचर का होता है, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एक्वायरिंग द राइट टू कैरी ऑन अ बिजनेस इज डैश एक्सपेंडिचर। कोई भी एक्सपेंडिचर जो इनकर होता है जिससे क्या मिलता है, राइट टू कैरी ऑन अ बिजनेस, जिससे हम बिजनेस को और आगे लेकर के जाते हैं, इस एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू और नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर से देखते हैं कि एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अक्वायरिंग द राइट टू कैरी ऑन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी ऐसा खर्चा जिससे हमें अधिकार मिल सके कि हम बिजनेस को आगे लेकर के जाएं, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 2000 इज सोल्ड फॉर 800 रुपीज। अगर 2000 रुपए की बुक वैल्यू का फर्नीचर हमने 800 रुपए में बेच दिया, तो जो नया फर्नीचर है हमारे पास, उसके बाद हमने एक नया फर्नीचर खरीदा 1000 रुपए का, ठीक है, जिसमें हमने 25 रुपए कैरेज दिया। वॉट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या अमाउंट होगा? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, जिसमें 2 दिखाई दे रहे हैं, 2 नहीं दिख रहे, ठीक है। मैं 2 और लिख दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है 1200, दूसरा है 1000, तीसरा ऑप्शन है 1025, ठीक है, और चौथा है 2225। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1025, ठीक है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि हमने नया फर्नीचर खरीदा और 25 रुपए उसमें कैरेज पे किया। इस लास्ट स्लाइड के लिए आई एम सॉरी, थोड़ी एडिटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।